पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे बच्चों. थैंक यू. एक तरफ पंजाब है, एक तरफ गुजरात है, दोनों का मिलन हो रहा है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ. और जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आगे भी, मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा रिस्पांस मिलने वाला है भाई. थैंक यू. बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिलने वाला है. बस ये मेरी इच्छा है और भगवान से प्रार्थना भी है कि बहुत अच्छा हो जाएगा. टेंशन की कोई बात नहीं. दादी ने थोड़ी झलक भी देखी है. सो हाँ, झलक तो देखी है, इसीलिए तो कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ. प्राइवेट के बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है भाई. यस. हाँ, बिकॉज एनी माने, इफ़ यू नो गुजराती पीपल, सो एनी माने इज अ मोस्ट फेमस स्लैंग ऑफ गुजरात. मीन्स गुजरात में जैसे तकिया कलाम हर भाषा में होता है, हर एक रीजनल भाषा में एक तकिया कलाम होता है, तो गुजरातीज में ये तकिया कलाम है एनी माने, जो लेडीज़ बच्चे सब बोलते हैं. अब शायद उनको फिल्म जब आई है तो ये वर्ड बोल्ड लग रहा है, बट उनकी ज़िंदगी में हर रोज़ बहुत बार आता है ये वर्ड. सो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जो सबसे करीब है गुजराती लोगों के, हम उसी को ही अपनी फिल्म का टाइटल बनाएंगे. और इनफैक्ट जो हमारी फिल्म का हीरो है उसका भी ये तकिया कलाम है, एनी माने एनी माने एनी माने. सो दैट्स हाउ वी चोज द वर्ड. आई एम प्लेइंग अ सिंपल गर्ल एज आई एम. सो आई बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली एंड बट आई एम प्लेइंग अ पंजाबी गर्ल. या दैट्स द थिंग. I'm playing the lead, Bosu. Bosu sounds weird, but actually he's a Gujarati lover, and his name is Bolu Suratwala. So, अगर आप sign करते हो तो it's like you know BS होता है. But ये क्योंकि गुजराती है तो गुजरात से इतना प्यार करता है कि वो गुजराती में sign करता है, तो it's Bosu. So he calls himself Bosu. Hi, मैं Bosu, and I'm a rock star. So it's a funny, crazy character, you know, born and brought up in Surat. और Surat अगर आप थोड़ा बहुत मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का नेचर बस उनकी ज़िंदगी का मकसद यही है, खाओ पियो जल से करो. तो उसी तरह का ये है इसकी भी लाइफ में, मतलब उसको बहुत सारे सपने हैं लेकिन एक जगह एक दिशा में घोड़ा जाता नहीं, थोड़ा सा जाके बोला अरे वो भी करना है, वो भी करना है. सो और यहाँ वहाँ की गंद भी उसके अंदर बहुत सारी है, तो फिर वो जब प्यार में पड़ता है तो वो सारी फिल्म के अंदर बहुत एंटरटेनिंग वे में वो दिखाया गया कि कैसे लड़की उसको पूरी कोशिश करती है सुधारने की. अब वो लाइन पर आएगा नहीं आएगा उसके लिए आपको यू हैव टू वॉच द फिल्म. सो दिस इज अबाउट माई कैरेक्टर. बींग अ प्रोड्यूसर इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑन दिस अर्थ. एक्चुअली अभी मुझे कभी कभी याद आता है कि अगर मैंने बींग एन एक्टर किसी प्रोड्यूसर को परेशान किया हो तो आई एम सॉरी. बिकॉज यस यस, बिकॉज प्रोड्यूस बींग अ प्रोड्यूसर इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑन दिस अर्थ. हमारा बस एक ही मकसद था कि जो एक्चुअल में लोग जिंदगी जीते हैं उसको दिखाना. अब क्या होता है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है क्योंकि हमने सच दिखाया है एंड इट्स वेरी नेचुरल. सो सच को एक्सेप्ट करते थोड़ी दिक्कत होती है लोगों को. हमारा मकसद ही वही है कि बेंचमार्क सेट करना गुजराती. बिकॉज सी आई वॉन्टेड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, आई कुड हैव प्रोड्यूस अ पंजाबी फिल्म ऑल्सो एंड अ हिंदी फिल्म ऑल्सो विच वी वर सपोज टू डू, बट हम लोगों ने गुजराती फिल्म इसीलिए चूज की क्योंकि इसको एक बेंचमार्क पे सेट कर सकते थे हम लोग, कि इसको एक अलग अलग लेवल तक ले जा सकते थे. दैट्स हाउ वी हैव मेड अ गुजराती फिल्म. थैंक यू सो मच. यस, वेरी मच एक्साइटेड. एक्चुअली वी हैव प्लान लॉन्ग बैक. शी सेड नीड टू कम ओवर हियर टू वॉच द प्रीमियर. सो यस, ऑफ कोर्स शी इज़ माय फ्रेंड. एंड जब कोई फ्रेंड ग्रो करता है ऑब्वियसली हम सब एक ही फील्ड से हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं हमारे शो फ्रेंड्स को ग्रो करते हुए देखते हुए. कैरेक्टर की बात करें उनकी या इनकी, पहली बार इन्होंने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बोल्ड कैरेक्टर निभाया जैसे इन्होंने बताया है. और हम पोस्टर देख के भी हमें पता चल रहा है जिस तरह से इस
So are you saying shoo? Yeah, of course. Ah. Well, actually, you know what? मैं मूवी देखने के बाद ही थोड़ा और गंभीरता से बताऊंगा कि क्या है और एक्साइटमेंट. Well, अच्छा ठीक है तो ये कुछ है आई गेस एंजल और डेविल वाला कुछ फील है. सो ये बचाने की कोशिश करी, समझाने की, पर ये जिद पे कुछ अटके. समथिंग एग्जैक्टली सम डेविल. या आप गुंडे रहोगे. हम लोगों ने बहुत टाइम पहले शकीरा में काम किया था, तब भी मेरी बहुत धुलाई हुई थी. अब आपकी एंजल आपकी धुलाई कर रही है या बचा रही है या रोक रही है, सब कुछ कर रही है. वेल मैंने नहीं, मैंने गुजराती एक प्ले देखा था लॉन्ग टाइम बैक, बट मूवी मेरे लिए पहली बार है. मैं आई हूँ देखने के लिए. या यू द फर्स्ट वन. यस सो मैं पहली बार, वेल आई हैव बीन ब्रॉट अप, आई एम अ मुंबई गर्ल. ओके तो गुजराती मेरे आसपास हमेशा रही है. मैं एक सोसाइटी रहती हूँ जहाँ पे सारे लोग गुजराती हैं, सो आई नो गुजराती, बट मैं बोल नहीं पाती, बट आई कैन अंडरस्टैंड गुजराती अलॉट. सो ये मेरी पहली मूवी होगी देखने के लिए एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी. एंड 50% इट्स इन हिंदी आल्सो बिकॉज़ इट्स अ गुज्जू पंजू लव स्टोरी. सो आई थिंक यू विल एंजॉय इट. वाओ दैट्स नाइस. शिजू मैम, बात करें रिक्रिएट की, जब भी कोई मराठी या गुजराती पिक्चर आती है सुपर हिट होती है, क्या इसका हिंदी वर्जन अगर हिट होने के बाद क्या हिंदी वर्जन भी कुछ निकालते हैं? एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं इसके हिट होने के बाद में करण जौहर को बनाना चाहिए. या करेक्ट. सो लोग बोल रहे हैं कि फिल्म सैराट बनने वाली है, तो मुझे लगता है करण जौहर को ही बनाना चाहिए इसका हिंदी वर्जन. और जिस तरह से आप लोग ऐसे ही जैसे प्यार मिला है, इस तरह से अगर पिक्चर को प्यार मिलेगा तो ऑफ कोर्स ये और आगे जाएगी और इसका भी रीमेक बनेगा ज़रूर. थैंक जी. बिल्कुल डिफरेंट है और आज के यूथ के साथ आई थिंक काफ़ी कनेक्ट करेगा, बिकॉज यूथ आजकल एकदम, उनकी सोच एकदम ब्रॉड हो गई है और क्योंकि इतना एक्सपोजर होता है, तो आई थिंक द यूथ इज़ क्वाइट ओपन टू दिस काइंड ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स. एंड मैंने सुना है कि काफ़ी बोल्ड सब्जेक्ट भी है, एंड बोल्ड का मतलब एक्सपोजर से नहीं है, इट डजंट मीन एक्सपोजर, बट बोल्ड मीन्स बोल्ड इन द थिंकिंग. एंड मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मैंने शिजू के साथ सबसे पहले जब शिजू से मैं मिली थी तो हम लोग ने एक भोजपुरी फिल्म कही की थी, इट वॉज कॉल्ड बेटी भैल परदेसी, और उसमें वो मैं उसकी सासू माँ बनी थी, जिसने मतलब इट वॉज लाइक हिंदी का जो बेटा था ना उसका रीमेक जैसे था, और जो सासू माँ बनी थी मैं, और मैंने बहुत उसको तंग किया था, उसमें टॉर्चर किया था. तो तब से मैं शिजू को जानती हूँ, आई थिंक उस बात को करीब 15 से 16 साल हो गया. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर शिजू एंड फॉर जय कि उन्होंने ये पहल की है, और मैं चाहूँगी कि बहुत आगे भी और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट बनाए, और अब गुजराती सिनेमा भी मेरे ख्याल से नए सिनेमा के लिए रेडी है मेरे हिसाब से. गुजराती सिनेमा की हम बात करें तो काफ़ी डेवलप होते जा रहा है. जी बिल्कुल. तो लगता है कि बेंचमार्क सेट कर देगी, जैसे पहली बार ये ऐसा किरदार ऐसी पिक्चर ला रहे हैं गुजराती सिनेमा में, बोर्ड पहले कभी ऐसी पिक्चर नहीं बना. डेफिनेटली. और मैं समझती हूँ कि अगर ये बेंचमार्क सेट करेगी तो आगे और भी प्रोड्यूसर आएंगे गुजराती सिनेमा का, और मैंने सुना है कि गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प करती है सब्सिडीज़ के लिए, तो इट्स गुड दैट यू नो गवर्नमेंट भी साथ दे रही है, तो इस तरह से और सिनेमा भी आगे बढ़ेगी. आपने कितनी गुजराती पिक्चर देखी? मैंने तीन फिल्मों में काम किया है मैंने, और एक में तो मुझे अवार्ड भी मिला है, एंड दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, एंड उसमें अवार्ड भी मिला. फिर और बहुत हार्ड हिटिंग फिल्में की हैं, जैसे मारू घर के अच्छे एंड ओढ़नी, उसका नाम भूल गई हूँ, उसमें मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला था फर्स्ट फिल्म का. तो मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मैं अभी आज गुजराती फिल्म बहुत दिनों के बाद देखूँगी, अपनी देखी थी, अब ये देखूँगी. थैंक यू सो मच.